राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। जो दुनिया में अपने आप को सर्वशक्तिशाली संपन्न मानते हैं, उन राष्ट्रों में भी इस प्रकार की योजना चलाने की बहुत कम जगह ऐसी योजना आपको मिल पाएगी। लेकिन भारत इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली है, भारत के लोग सौभाग्यशाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की, जिसके तहत हम जो हमारे बीपीएल परिवार हैं उनको हम 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराते रहे। हम सब जानते हैं कि यदि किसी गरीब के घर में कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, किडनी, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या अन्य कोई बीमारी, तो सबसे पहले हमारे बहु बेटियों के गहने बिकते थे, फिर खेती बिकती थी, मकान बिकता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की, वंचितों की पीड़ा को समझते हुए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की। उसके तहत हम उनको आयुष्मान कार्ड जारी करते हैं और इस योजना के तहत अभी तक हम सब जानते हैं कि 1.18 करोड़ पात्र परिवार उत्तर प्रदेश राज्य में है जिनको हमें आयुष्मान कार्ड बनाना है। इसके अलावा जो आच्छादित नहीं हो पाए हैं इस योजना में, क्योंकि 2011 के जो SECC के आंकड़े हैं उस आधार पर हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ढेर सारे गरीब वंचित रह गए हैं, नहीं हो पाए हैं। उसके तहत हम लोगों ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके तहत जो लोग बच गए हैं, जैसे जो अंत्योदय कार्ड धारक थे या हमारे पास श्रम विभाग के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन में पंजीकृत श्रमिकों को, यानी जो हमारे श्रमिक भाई पंजीकृत है श्रम विभाग में, उन लोगों को भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत जोड़ करके हमने उनको भी आयुष्मान कार्ड जारी करने का काम किया है, यानी इलाज उनको करा रहे। इस प्रकार 1.80 करोड़ आयुष्मान कार्ड अभी तक वितरित किए जा चुके हैं, 1.80 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किया जा चुके हैं, जिसके कारण 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था उन गरीब परिवारों को हमारी केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा अभी तक 1200 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है और लगभग 12 लाख लोगों ने इस योजना से अभी तक लाभ उठाया है। 12 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य के इस योजना से लाभ उठाया है और इस पर 1200 करोड़ रुपए व्यय हुआ है। इसके अलावा 2949 अस्पताल इसके लिए आबद्ध किए गए हैं, जो सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं उनको आबद्धता दी गई है, जहां पर आयुष्मान कार्ड के तहत उनको निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी एक हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। कोविड महामारी के कारण सभी लोग डिस्टर्ब थे, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में प्रबंधन हुआ, इस दिशा में जो काम हुए हैं वो विस्तृत रूप से आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। सभी 75 जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर की स्थापना की गई। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को लगातार हमने टच में बनाए रखा, उनसे हमने फोन से संपर्क किया। इसके अलावा जो हमने निगरानी लगातार की निगरानी समितियों के माध्यम से उनको हमने घर घर दवाइयां पहुंचाई। 75 के 75 जनपदों में RT-PCR की जांच हो BSL-2 प्रयोगशालाएं की स्थापना की गई। जहां हम सबको याद है उत्तर प्रदेश राज्य में जब कोविड पहली बार आया तो यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, अब हमारे पास 75 के 75 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं की स्थापना है। और इसके अलावा आशा एवं ANM की जो हमारी महिला कर्मचारी थी उनके माध्यम